बहुत ही कैजुअल डिसीजन था रोहित शर्मा का टॉस जीत के बेंगलुरु में बैटिंग करना ओवरकास्ट कंडीशंस हैं हालांकि रवि शास्त्री ने टॉस पे पूछा भी थोड़ी हैरानगी के साथ कि आप इस पिच को कैसे देख रहे हैं और बैटिंग क्यों कर रहे हैं रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया वहां पे। उनका जवाब यह था कि हमें इस पिच की नेचर पता है हमें पता है कि कंडीशन थोड़ी क्लाउडी है लेकिन इस मुश्किल टाइम को निकाल के इस विकेट पे ज्यादा रंस करने की हम कोशिश करेंगे ये रोहित शर्मा ने टॉस पे कहा मतलब आप मत तारीख गवाया हिस्ट्री गवाया कि जब भी किसी कैप्टन ने ओवरकास्ट कंडीशन को कैजुअल लिया है ना वो मुश्किल में ही फंसा है मतलब एशिया में सबसे लोएस्ट टोटल है किसी भी टीम का 46। दुनिया के जितनी टीमें हैं वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड कोई भी जो तो दुनिया की टीम है वो कभी इतने कम टोटल पे एशिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट में आउट नहीं हुई 46 इंडिया ने सिर्फ रन किए हैं इससे पहले एशिया में अगर किसी टीम का लोएस्ट टोटल आप देखें तो वो वेस्ट इंडीज का था पाकिस्तान के अगेंस्ट 1986 में वेस्ट इंडीज आउट हुई थी फैसलाबाद में फिफ्टी थ्री पे उसके बाद नाइनटीन के बाद आज एशिया में सबसे लोएस्ट टोटल लगा और वो एक एशियन टीम का ही है इंडियन टीम का 46 किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं है हाँ आप किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन अगर आपने सबसे ज्यादा किसी को को ब्लेम करना है तो वो आप टॉस करें अपने कैप्टन को करें और ऑब्वियसली एक थिंक टैंक की तरफ से आवाज आई होगी कि जी हम टॉस जीत के यहां पे बैटिंग करेंगे देखिये क्लाउडी कंडीशन में ना आप न्यूजीलैंड का मुकाबला नहीं कर सकते आज कल इंडियन टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं जब इंडियन टीम को थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी आप मतलब ज्यादा आपको जहन लड़ाने की जरूरत नहीं है जहां पे हल्का सा भी बॉल हिलता है चाहे वो वाइट बॉल है या वो रेड बॉल है जहां पे भी हल्का सा बॉल हिलता है इंडियन टीम को पास्ट में मुश्किल आती रही है आज दोबारा वही कंडीशन वापस आई बॉल हिल रहा है इंडियन टीम फंस गई तो मुश्किल तो है जहां पे हल्की सी बॉलिंग कंडीशंस आ जाएं वहां पे इंडियन टीम फंस जाती है इस टेस्ट मैच में क्या होगा वो तो अभी हम डिस्कस करते हैं लेकिन पुणे मुंबई थोड़ी सी गर्मी धूप वहां पे आपको ये डोमिनेट करते नजर आएंगे और इसमें कोई ये मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है लेकिन आप इस चीज से एग्री करें और आपको करना पड़ेगा जहां पे बॉल हिले वहां पे इंडियन बैटर्स को मुश्किल आती है हाँ आज आप कह सकते हैं कि यार जदेजा ने क्या शॉट खेला यार विराट जीरो पे आउट हो गया यशस्वी भी आगे आके खेलने की कोशिश कर रहा था ये क्या टेक्निक है जब आपकी टीम एक कई साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ के इतने कम टोटल पे आउट हो जाए ना तो ऐसी बातें निकल के बाहर आती हैं। मतलब न्यूजीलैंड ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है डे वन में डोमिनेट कर रहे हैं वो इस टेस्ट मैच को फिलहाल और जब डे एंड हो रहा था आज तो बेंगलोर में अच्छी खासी धूप निकली हुई थी यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई रोहित शर्मा से रोहित शर्मा अगेन टॉस पे कहते हैं कि हमें पता है क्लाउडी कंडीशन है लेकिन हमें इस पिच की पता है कि इस पिच पे कितना आसान है रंस करना वही तो पहले दो तीन घंटे का फायदा उठाना था यहां पे आप आके फंस गए हालांकि इंडियन टीम को अपनी कमजोरी पता है कि जहां पे मुश्किल बॉलिंग कंडीशन आती है जहां पे मुश्किल बैटिंग करनी पड़ जाए वहां पे हम फंस जाते हैं वही दो तीन घंटे थे और वहीं पर न्यूजीलैंड ने शानदार बॉलिंग की हैनरी ने सौ टेस्ट विकेट्स अपनी पूरी की हैं और जो उनके यंगस्टर हैं बॉलर विलियम और रॉक कमाल की बॉलिंग की है हल्का सा मॉर्गल के साथ उनका एक्शन मिलता है मैंने जब इंडियन टीम ऑल आउट हुई थी फोर्टी सिक्स पे तब एक लाइव सेशन किया था उसमें भी बताया था दोबारा आपको बता देता हूं कि ये जो यंगस्टर है न्यूजीलैंड का विलियम और इनके फादर भी क्रिकेट खेलते रहे हैं न्यूजीलैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं विलियम और रॉक लेकिन इनके जो माँ बाप हैं वो कीवी ही हैं काम करने के सिलसिले में वो इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे लेकिन जब ये पांच या छह साल के थे विलियम और रॉक तो इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई दोबारा न्यूजीलैंड और इनके फादर इनको हमेशा से न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खिलाना चाहते थे क्योंकि वो फर्स्ट क्लास लेवल पे क्रिकेट खेलते रहे हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि विलियम ओ रॉक ने बड़ी अच्छी आके बॉलिंग कर दी है इन्होंने डेब्यू पे नो आउट किए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर इन्होंने अभी ये पीछे श्रीलंका के अगेंस्ट भी आठ आउट किए हैं एक मैच में वो नो आउट कर रहा है एक मैच में वो आठ आउट कर रहा है तो वो स्पेशल टैलेंट ही होगा और जितनी इनकी हाइट है आई थिंक सिक्स थ्री और सिक्स फोर लंबा बंदा है और ऐसे बंदे को वैसे ही अगर विकेट से विकेट में उछाल कितना था यार बेंगलौर में वैसे तो बैटिंग के लिए बड़ी कंफर्टेबल यहाँ पे सिचुएशन होती है कंडीशंस होती हैं। अच्छा बेंगलोर बेंगलौर में चिन्ना में टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर बताएं किस बैटर का एक पाकिस्तानी का आज तक आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है गूगल नहीं करना टेस्ट क्रिकेट में स्वामी में बेंगलुरु में किस प्लेयर का स्कोर है एक पाकिस्तानी का है और वो मैच भी पाकिस्तान जीता था इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है तो यहां पर बैटिंग करना आसान होती है लेकिन जितना उछाल आज विकेट में था और बाकी काम क्लाउड्स ने कर दिया ऊपर बड़ी ऐसे लग रहा था जैसे विलिंगटन वगैरह में न्यूजीलैंड के अंदर ये टेस्ट मैच हो रहा है और न्यूजीलैंड को एक बनी बनाई यू you नो know, बनी बनाई आपने दे दी कंडीशन की आओ जी हमें आउट कर लो वही मिसाल है कि आ बैल मुझे मार वही मिसाल है बहुत ही पोअर डिसीजन था और अगेन इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई है मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा का ये पोअर डिसीजन है आप 10 में से 10 कप्तानों से पूछे ना कि यार ओवरकास्ट कंडीशन में क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए तो नौ हमेशा बॉलिंग करते हैं यार चलो ये जो दो तीन घंटे हमने जो फायदा उठाना है हम जल्दी से उठा लें आप भी आते साथ ही न्यूजीलैंड के आउट कर सकते थे अब जितना जो रोहित ने कहा कि हमें इस पिच की नेचर पता है जितना सीधा विकेट ये है और जितना धूप निकल आया है तो आप दुआ करें कि थोड़ी सी बारिश भी हो जाए दोबारा थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन आ जाए क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु का जो लोग ऑब्वियसली बेंगलुरु में रहते हैं जिनको बेंगलुरु का वेदर पता है आपको पता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी पसीना गर्मी बड़ा मिक्स सा यहाँ पे वेदर है कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं होती पैंतीस छत्तीस वाली पैंतीस छत्तीस भी बड़ा मुश्किल से उनतीस तीस इकतीस बत्तीस बारिश बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये तो खैर इसके बारे में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ था आई एम सरप्राइज के आज हमें क्रिकेट देखने को मिली और टाइम पे आपको मैच शुरू हुआ मुश्किल है अब इंडियन टीम के लिए एक दिन हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं इस टेस्ट मैच में और बैटिंग अगर हम देखें यशस्वी जयसवाल पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बहुत बड़ा उनका यहाँ पे टेस्ट है सिर्फ उन्होंने तेरह रन किए कैप्टन रोहित शर्मा को टीम साउथी ने आउट किया जो कि उनकी वाहिद विकेट है एक तो टीम साउथी पता नहीं कब रिटायर होंगे मैं उनको ना बाबा क्रिकेट कहता हूँ ये क्रिकेट का बाबा है पहले इनकी टीम में वो विटोरी होता था वो जाता ही नहीं था यार। अब ये टीम है। और जब देखो कितने उनकी नेक का थोड़ा मसला था कभी कभी हो जाता है जब आपकी रूटीन थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ हो कभी एक पोजीशन पे आप सो गए हो आपकी नेक थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे वो बाइट बैठे सरफराज खान जीरो पे आउट हुए लेकिन अपनी शॉट खेलना चाहते थे ये जो सोच है सरफराज की ये ऑस्ट्रेलिया में आगे बहुत काम आने वाली है अब जब शुभमन वापस आते हैं लेट सी के सरफराज को ये दोबारा कैसे प्लेइंग इलेवन में डालते हैं लेकिन सरफराज एक बना बनाया प्लेयर है आप इसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाएं और अगेन मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर देता हूँ जो आप ये ऋषभ पंत के नारे लगाते हैं ना कि ऋषभ पंत गाबा का तोड़ा है घमंड क्यों तोड़ा था उसने घमंड उसने दलेर क्रिकेट खेली थी चढ़ के दूसरी टीम को डोमिनेट करते हुए और आपकी टीम में इस टाइम एक ऋषभ पंत ऐसा प्लेयर है और एक दूसरा सरफराज है विराट भी ऑब्वियसली वो तो एक अलग लीग है है ना उसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कि वो जब अपनी आई पे आता है तो दूसरे फिर दुआ ही करते हैं कि हम बच जाए ठीक है तो सरफराज एक ऐसा प्लेयर है जिस पे इंडियन टीम को इन्वेस्ट करना चाहिए और जब ये ऑस्ट्रेलिया जाए तो ये मैच प्रैक्टिस के साथ जाए इसके अलावा ऋषभ पंत अगेन बड़ी एक अजीब सी उनकी टेक्निक है बट यही है ऋषभ पंत बड़े लोग कहते हैं यार ऋषभ अजीब टेक्निक है इसकी लेकिन ये ऋषभ जब आपको मैचे जितवाता है अजीब अजीब तरीकों से छक्के लगाता है तब आपकी लॉजिक कहां जाती है तो यही है ऋषभ पंत रविंद्र जडेजा आई थिंक लंच में दो बॉले रहती थी और सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने बड़ी एक अजीब सी शॉट मारने की कोशिश की बहुत कैजुअल बहुत कैजुअल और बॉल उनकी चढ़ गई ऊपर और ऑब्वियसली कैच uh, हो गया मतलब मैं उनसे ये तो नहीं कर रहा था लंच के बाद जब अश्विन आए तो उनसे भी बड़ी तो यार उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से रन्स किए थे यहाँ पे भी, भी वो लेके जाएंगे लेकिन कंडीशन बॉस कंडीशन बड़ी टफ थी इसीलिए आपको पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में सिर्फ दो प्लेयर हैं जो डबल डिजिट में गए ऋषभ पंत और यशस्वी जयसवाल और सिराज के बारे में लोग कह रहे थे जब से वो डी डी बना ना वो जब से वो डीएसपी बना वो नॉट आउट रहा <laughs> so, मुश्किल थी इंडियन टीम के लिए और अर्ली ऑन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम मैदान में आई तो हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई थी और वहां पे रोहित शर्मा ये दुआ कर रहे होंगे कि थोड़ी सी हमें क्लाउडी कंडीशन मिल जाए नहीं तो नहीं यहाँ पे मुश्किल यहाँ पे होनी थी और जब आप 46 में आउट हो गए हों आपने पहले जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेली है आप पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि यार हम 46 पे हम आउट हुए हैं और इस टेस्ट मैच में तकरीबन 30-40 परसेंट इंडियन टीम बायर हो चुकी है मुझे हैरानगी इस चीज पे है जब मैं लाइव भी आया ना तो बहुत ज्यादा कॉमेंट ऐसे आ रहे थे इंडिया से कि ऐसी की तैसी न्यूजीलैंड की देखना सेकेंड इनिंग्स में वी विल कम बैक यार हम कब सीखेंगे ऑपोजिशन को ये कहना कि यार वेल well प्लेड हम ये कब सीखेंगे क्या किसी ने ये कोशिश की जानने की कि यार विलियम ओ रॉक इसकी हिस्ट्री क्या है ये इतना अच्छा बॉलर है या हेनरी के लिए दिल से किसी को खुशी है कि यार उसने सौ टेस्ट विकेट कर ली है अपनी अच्छी क्रिकेट को हम कब अप्रिशिएट करना सीखेंगे सब कॉन्टिनेंट वाले आई विश कभी हम भी ऐसे फैंस बने आप इंग्लैंड में देखो ना इंग्लैंड वाले जो स्पेशली क्रिकेट फैंस हैं इंग्लैंड में एक काउंटी का मैच भी चल रहा हो ना तो आपको लोग नजर आते हैं यार ठीक ठाक तादाद में बहुत ज्यादा लोग मैच देखने आते हैं क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल को देखने नहीं आ रहे होते वो क्रिकेट देखने आते हैं तो हम कब क्रिकेट को क्रिकेट के लिए देखेंगे मतलब ऐसे लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि जी अब जैसे मिसाल के तौर पे इस वीडियो के नीचे भी ना मैं आपको लिख के देता हूं अभी तक कमेंट आ गए होंगे कि हाँ आज तो तू बड़ा खुश होगा कि जी इंडिया की टीम 46 पे आउट हो गई भाई मैंने क्यों खुश होना अच्छा एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे कहते हैं तू इंडिया की तारीफ बहुत करता है एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भाई आज इंडिया 46 पे आउट हो गया तो तू बड़ा खुश होगा और मैंने क्यों खुश होना है मेरी खुशियां इन चीज़ों में नहीं है मेरी मेरा काम क्रिकेट पे बात करना है मैं जब क्रिकेट पे बात करता हूं मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है कोई टीम या कोई प्लेयर साढ़े तीन सौ मार दे या कोई टीम सैतालीस पे या पचास पे आउट हो जाए मुझे ना उससे खुशी मिलती है ना मुझे उससे गम मिलता है मेरा काम सिर्फ यहां पे क्रिकेट पे बात करना है तो ये जो छोटी सोच है ना कि आज तू बड़ा खुश होगा फुरकान भट्टी उनमें से नहीं है मतलब मेरा इसमें कोई ध्यान नहीं होता खैर मैच पे वापस आते हैं न्यूजीलैंड डे के एंड पे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और इंडिया कोसेगा अगर ये टेस्ट मैच इंडिया हारता है तो इंडिया कोसेगा खुद को कि हमने टॉस पे इतना बुरा डिसीजन क्यों लिया आपने वही दो तीन घंटे का फायदा उठाना था जो आप नहीं उठा सके वहां पे इंग्लैंड और पाकिस्तान का भी मैच अभी आधे घंटे में खत्म होने वाला है अगर आप ये वीडियो यहां तक आपने देख ली है तो ऑलरेडी मेरी पाकिस्तान और इंग्लैंड की वीडियो आ चुकी होगी वो भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है उसको भी देखें कल जब ऑब्वियसली बड़ा एक क्रूशल डे है कल मुझे लगता है इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का तकरीबन डिसीजन तो आ चुका होगा या तो आने वाला होगा सो हमारी ये क्लैश आ रहा है वहां पे इंडिया न्यूजीलैंड के मैच चल रहे हैं यहां पे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच चल रहे हैं सो आपने याद रखना है हमारी सेपरेट वीडियो आएगी इंडिया न्यूजीलैंड की अलहदा से वीडियो आएगी और पहले आएगी क्योंकि पहले इसलिए आएगी इससे पहले कोई ये कहे कि हाँ हाँ इंडिया की तो पहले ही आएगी तो हमारे लोग भी तो ऐसे ही है ना इंडिया की तो इसलिए पहले आएगी कि इंडिया का मैच तकरीबन चालीस पैंतालीस मिनट पहले खत्म हो रहा है तो उनकी पहले वीडियो आएगी और पाकिस्तान का मैच यहाँ पे तकरीबन सवा पांच साढ़े पांच बजे खत्म होता है लेट खत्म होता है तो वो खत्म होगा तो उसकी वीडियो तब आएगी कल दो वीडियो उसके साथ मिलते हैं अभी आप इस वीडियो के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की वीडियो भी इंजॉय करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें